स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप सैमेट 6। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। दी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 है आज हमारे पास, बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर की मॉडर्न सीरीज हमारे पास चल रही थी, और लेक्चर नंबर 16 जो हमारे पास है गॉसिप मीन गपशप फ्रांसिन प्रोस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि फ्रांसिन प्रोस ने जो गॉसिप होती है, गपशप होती है, उसको किस तरह डिफाइन किया अपने वर्ड्स में। बेसिकली हम सबको पता है कि जो गॉसिप होती है, हम सब आपस में स्टूडेंट्स भी, फेलोज भी और रिलेटिव्स भी मिलके गॉसिप्स करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ गॉसिप। तो हाउ यू नो फ्रांसिन प्रोस हैज डिस्कस गॉसिप इन यू नो इन अ वाइडर सेंस, राइट? सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन हियर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, वो पॉइंट्स देखते हैं किस तरह गॉसिप को किस तरह देखता है जो हमारा राइटर है। कहता है गॉसिप इज जस्ट लाइक, किस तरह गॉसिप, जस्ट लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस। आप एक चीज है उसको इस तरह खोद रहे हैं, उतार रहे हैं, यानी एक चीज को आप बात को लंबी करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बात करते हैं, फाइंडिंग अ स्नेक पिट, कि भाई आपको ऐसे जैसे कोई स्नेक की जो होती है ऊपर वाली वो मिल जाएगी। सो इट इज द जूस ऑफ द बैट, मतलब आप ऐसे जैसे एक चीज का जूस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। सो गॉसिप इज जस्ट लाइक जूस, जस्ट लाइक दैट। एंड द थर्ड वन इज इट इज अ पुअर रिलेटिव ऑफ सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन। पुअर रिलेटिव ऑफ सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन, अब सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन क्या होती है, जब हम रेलिवेंट गुफ्तगू करते हैं, आपस में अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, या कोई बिजनेस पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, या कोई और अच्छी बात डिस्कस कर रहे हैं, तो गॉसिप इज यू नो कॉन्ट्रेरी टू द पॉजिटिव वन, टू यू नो द सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन, इसके कॉन्ट्रेरी है। नंबर फोर पे भी देयर इज एन एग्जांपल ऑफ जॉन दैट द राइटर गिव्स अस, उसने जॉन की एग्जांपल दिया, ही गॉट अ न्यू जॉब, इज एन इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन की जॉब उसकी, एंड जॉन गॉट फायर्ड इज अ गॉसिप, मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे कहते हैं, हम बात करते हैं जॉन की, जॉन को इंफॉर्मेशन मिली, ये जॉन इंफॉर्मेशन देता है और उसको फायर्ड, जॉब से निकाल दिया जाता है, किस वजह से, ड्यू टू गॉसिप्स। नंबर फाइव, गॉसिप हैज सम पर्पस, गपशप का कोई मकसद होता है। क्या मकसद हो सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट्स कोई आपस में बात करते हैं, कोई किस तरह करता है, तो गॉसिप कर रहे होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। नंबर सिक्स पे जो हमारे पास पॉइंट है कि वर्ड कहां से आया, गॉसिप का जो वर्ड है बेसिकली कहां से आया, दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम एंग्लो-सैक्सन। एंग्लो-सैक्सन इज अ पीरियड यू नो दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी, एंड द मॉन्स्टर ऑफ दैट टाइम इज बीवुल्फ, and Beowulf was also a poem in that time of, you know, famous poem of Anglo-Saxon periods. This word is derived from Godspeed, you know, Anglo-Saxon from Godspeed, which means godparents, yani godparents, ye le palak hai, humne liya hai kisi se, Godspeed se humne ye word liya hai, Anglo-Saxon jo hamare paas era tha wahan se. Iske next word dekhte hain, number 7 pe jo point hai, gossip is an oral tradition, ek purana tradition hai, एंड बट इट इज नॉट मिलीशियस, ये कोई पीने वाली बात नहीं है, पीना पर बात नहीं है, मिलीशियस नहीं है, बुरी चीज नहीं है, ऑर्डर ट्रेडिशन तो है। नंबर 8 पे जो हमारे पास पॉइंट है, इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एज इट अफर्म्स द सोसाइटी, मतलब पॉजिटिव क्वालिटी है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है, एडमायर कर रही है, एडमिट कर रही है, इसको जो है वो कहते हैं हाथों हाथ दे रही है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। नंबर 9 पे जो हमारे पास पॉइंट है, इज अ पार्ट ऑफ ए ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन कम्युनिटी, ऑब्वियसली it is you know the main part of human nature, the main part of human society, human community as well, every person is gossiping with each other, har koi ek dusre ke sath baat cheet kar raha hai, aur baat cheet guftugu ka jo uska silsila hai wo different hai, ek dusre ke bare mein baat kar raha hai. To students ke aaj lecture number 16 be English fourth year ka hamare paas tha. I hope that you students you know must like this video, and if you have any question then please write down or put down in you know comment box, so I will give you and the answers there. Thank you very much.